सब्सक्राइब करें मेरे चैनल फूडशिप को और इस बेल आइकॉन को दबाएं जिससे सबसे पहले मेरी रेसिपीज आप देख सकें। वेलकम टू फूडशिप। आज की रेसिपी है तवा चिकन ग्रेवी के साथ। ये बहुत ही अच्छी और टेस्टी रेसिपी है, उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। इसके लिए मैंने लिया है 500 ग्राम चिकन, इसको मैंने धोकर अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। इसमें 100 ग्राम दही डालेंगे, इसका पानी मैंने निकाल लिया है। एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, एक छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, एक छोटा चम्मच जीरा पाउडर, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, एक चम्मच कॉर्नफ्लोर, एक चम्मच नींबू का रस और एक चम्मच सरसों का तेल। तेल आप कोई भी यूज कर सकते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा खाने वाला लाल रंग डाला है, यह पूरी तरह ऑप्शनल है। अब इन सारी चीज़ों को एक साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे और एक घंटे के लिए ढक कर इसे फ्रिज में रख देंगे। जब तक ये मैरिनेट होता है हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 3 मीडियम साइज प्याज कटे हुए, 3 मीडियम साइज टमाटर कटे हुए, 1 मीडियम साइज शिमला मिर्च कटा हुआ, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 कप दही और क्रीम का मिक्सचर, 1 चम्मच कसूरी मेथी, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच टोमेटो केचप, थोड़े से धनिया पत्ती गार्निशिंग के लिए, नमक स्वाद के अनुसार और थोड़े से खड़े मसाले। नॉर्मली तवा चिकन तवे पर बनाया जाता है, बट मेरे पास यही अवेलेबल है तो इसी में बनाएंगे। सबसे पहले तेल गरम करें। तेल गरम हो जाने पर इसमें सारे खड़े मसाले डाल दें। थोड़ी देर बाद इसमें कटा हुआ प्याज डाल दें। प्याज को हल्का सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे। जब प्याज हल्का सुनहरा हो जाए तो इसमें टमाटर और नमक डाल दें। टमाटर और प्याज अच्छी तरह गलने तक पकाएंगे। इसको लगातार चलाते हुए अच्छी तरह गलने तक हमें पकाना है। जब टमाटर और प्याज अच्छी तरह गल जाएं तो इसमें सारे सूखे मसाले, अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक डाल दें। अब इसे लगातार चलाते हुए तेज आंच पर 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे। जब मसाले अच्छी तरह भून जाएं तो इसमें कटा हुआ शिमला मिर्च, दही और क्रीम का मिक्सचर डाल दें। कसूरी मेथी को हाथों से मसल कर डाल दें। टोमेटो केचप और पानी डाल दें। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसे ढककर 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर छोड़ देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, हमारा ग्रेवी बनकर तैयार है। बहुत ही अच्छा ग्रेवी बना है, इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया पत्ती डालें। अब गैस का फ्लेम बंद कर दें और इसे एक साइड रख दें। चिकन को मैरिनेट किए हुए 1 घंटा हो गया है। अब एक पैन में तेल गरम करें और इसके ऊपर सारे चिकन के पीसेस को रख देंगे। अब इसे कवर करें और एक साइड से अच्छी तरह पक जाने तक फ्राई करें। जब यह एक साइड से अच्छी तरह पक जाए तो इसे दोबारा से पलट दें।
चिकन अच्छी तरह फ्राई हो गया है। अब इसके सारे जो एक्स्ट्रा तेल हैं इसको हम बाहर निकाल लेंगे। अब इस पर तैयार ग्रेवी को डाल दें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसे ढककर 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच पर छोड़ देंगे। 3 मिनट हो गए हैं, हमारा तवा चिकन ग्रेवी के साथ बनकर तैयार है। बहुत ही अच्छा बना है, इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। उम्मीद है आप लोग को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। थैंक यू।